गुड इवनिंग एवरीवन। तो जी अभी शाम का टाइम है और मैं अभी सो के उठी हूँ और मैं बना रही हूँ शाम की चाय, क्योंकि कितनी ही कोशिश कर लूँ मैं लेकिन मेरी ये चाय नहीं छूट सकती, एक सुबह वाली और एक शाम वाली। मैंने कोशिश करके देख लिया लेकिन वो ये ना, मुझे दोपहर में जैसे सोने की आदत है, चाहे मुझे आधा घंटा मिले चाहे एक घंटा मिले, और उसके बाद में जब मैं उठती हूँ तो फिर जब तक मेरी सुस्ती दूर नहीं होती जब तक मैं चाय ना पी लूँ। और अभी मैंने मतलब चाय चढ़ाई है तो अभी तक मैं बस ऐसी ढीली ढाली सी हूँ, और जब मैं चाय पी लूँगी उसके बाद थोड़ी सी मेरे अंदर फुर्ती आएगी काम करने के लिए। और जी यहाँ चाय तो रख दी है लेकिन अंदर मुझे यूवी आवाज़ भी दे रहा था तो मैं अभी उसी को ही देखने के लिए गई हुई हूँ। और देखिए शाम मतलब दोपहर बाद जब किचन एकदम साफ़ सुथरी हो जाती है ना तो काम करने का मन अपने आप ही करने लग जाता है। एक सुबह के टाइम एकदम साफ़ सुथरी किचन होती है क्योंकि हम रात को उसे पूरा साफ़ करके सोते हैं, और दोपहर के बाद जब दोपहर का पूरा लंच वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है और बर्तन वगैरह सब धुल जाते हैं तो एकदम किचन साफ़ सुथरी मिलती है। तो अभी चाय में उबाल नहीं आया है और देखो मेरा चेहरा देखो एकदम ऐसे लग रहा है जैसे किसी के मारा हो मुझे, क्योंकि अभी मैं सो के उठी हूँ तो ऐसे सड़ा हुआ मुँह हो रहा है। तो जी बस अब चाय में मैं दूध डाल दूँगी और अभी मैं बना रही हूँ सिर्फ 3 कप चाय, नहीं 4 कप। और जी चाय में मैंने दूध डाल दिया है और पापा को चाय देनी है बिना चीनी वाली, तो इसलिए जैसे ही उबाल आएगा मेरी चाय पकेगी तो सबसे पहले मैं पापा की चाय निकाल दूँगी और उसके बाद फिर मैं चीनी ऐड करती हूँ और अपने 3 कप के हिसाब से। तो जी चाय तो यहाँ मेरी बन गई है, उबाल भी आ गया है, अब बस फटाफट पापा को चाय देने में जा रही हूँ। फ्रेंड्स ये अभी यू भी सो के उठा है, शाम हो रही है 4:30 बज रहे हैं, चाय बन गई है और यहाँ ईवा भी उठने वाली है सोकर अभी। यूवी ईवा उठ गए, अभी यूवी और ईवा का ड्रामे चल रहे हैं। ईवा बाबू ये देखो ड्रामा हेलो ये देखो मुंह पे हाथ रख के लेट गई है। हाँ बेटा मुंह धोवाओ, दूध पी लो, नहीं पीना इवा, चाय पीनी है, दूध पीना है, नहीं। कुछ खाना है, मैगी खानी है, नहीं। मैगी खानी है, रोटी खानी है, नहीं। क्या खाना है, नहीं। हाँ नहीं। कुछ नहीं खाना, मैं मुंह पे से हाथ तो हटा दो बाबू, जहाँ तो कर दो। अरे जहाँ तो कर दो भाई। अरे अच्छा अच्छा आज करता है बाबू, बहुत अच्छा है। हटो ओ मम्मी। हाँ जी ये बाबू बहुत अच्छा है, हंस हंस के उठता है मेरा बेटा, बहुत गुड़िया, बहुत स्वीट बाबू है मेरी ये। उठ गए उठ गए, क्या खाना है, दूध पीना है, हैं रोटी रोटी खानी है, आलू। अरे अपने बेटे को मैंने आलू बना लिया, आलू बनाएंगे अपने बेटे के लिए, बना के रख रखे। जी जी चलो आलू लेके आते हैं, ठीक है, ओके ले आऊं। और फ्रेंड्स शाम का टाइम है, चाय वगैरह पीने के बाद फिर मैंने झाड़ू भी लगाई घर में, साफ़ सफाई करी, और ये जो चाय के बर्तन है इसके बाद के जो बर्तन थे आटा वगैरह जैसे गूंदा था तो काफ़ी सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि झाड़ू पोछा लगाने के बाद फिर मैं नहा धो के मंदिर में भी जाती हूँ पूजा करने के लिए, और इसलिए बर्तन धोने का टाइम नहीं मिला और ये बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो चुके हैं शाम की चाय से लेके और डिनर करने से पहले तक, जैसे कि आटा गूंदते हैं सब्जी वगैरह काटते हैं तो उसमें काफ़ी सारे बर्तन हो जाते हैं, तो अभी बस मैं वही साफ़ कर रही हूँ और इसके बाद फिर थोड़े से ही बर्तन रह जाते हैं जो हमारे एक एक प्लेट होती है खाने की, एक एक कटोरी बस यही होती है। तो जी बस फटाफट से ये बर्तन साफ़ करने के बाद उसके बाद मैं
डिनर करके आज वॉक पे ज़रूर जाना है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए वॉक पे गैप हो चुका है हमारा, 3-4 दिन से जा ही नहीं पा रहे हैं, तो आज पक्का ही जाना है। पहले मैं ये बर्तन धो लूँ, उसके बाद बर्तन फटाफट पहुँच के खाना खा के फिर निकलते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने कपड़े धोए थे तो वही सूख रहे हैं, और यहाँ पर यूवी का बैग पड़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जा चुकी है छिपकली बैग के अंदर, और छिपकली से हम सबको बहुत डर लगता है, इसलिए यहाँ पर इसके पापा ने बुक्स तो निकाल दिए लेकिन छिपकली अभी इसी के अंदर है, तो वो पापा जी आके निकालेंगे। मैंने कोशिश करी थी निकालने की लेकिन मुझे भी बहुत डर लगता है तो मैंने नहीं निकाली। इवा क्या हुआ? ईवा की बॉल चली गई है बेड के नीचे, और विराज की हेल्प, विराज को बोल रही है हेल्प करने के लिए। ईवा कहाँ है बॉल? उली। तो फ्रेंड्स, इस व्लॉग का करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।